दिस न्यूज इज ब्रॉट टू बाय हिमाचल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन पांवटा साहिब। पांवटा पुलिस की सुविधा में एक और कड़ी जुड़ गई है। पांवटा साहिब के उद्योगपति अपने सामाजिक सरोकार के तहत जनता की भलाई के लिए लगातार कार्य कर रहे हैं। इस बार पांवटा साहिब के रामपुर घाट स्थित जियोन लाइफ साइंसेज ने पुलिस विभाग को एक एसी पीसीआर वाहन प्रदान किया है। अब पुलिस के पास उद्योगपतियों द्वारा दिए गए 3 वाहन हो चुके हैं। इससे पुलिस को रात्रि गश्त करने की दिक्कतें भी दूर होंगी। आदर्श चुनाव आचार संहिता के चलते यह वैन पुलिस विभाग को नहीं दी जा सकी थी। चुनाव के बाद अब कंपनी में एक कार्यक्रम रखा गया जिसमें पांवटा के विधायक सुखराम चौधरी, एसपी सिरमौर अजय कृष्ण शर्मा भी विशेष तौर पर मौजूद रहे। विधायक ने पीसीआर वाहन को भी हरी झंडी दिखाकर कंपनी से नगर के लिए रवाना किया। इंडस्ट्री के कारण पांवटा आज हिमाचल प्रदेश के चंद शहरों में से एक बहुत डेवलपमेंट पांवटा में इंडस्ट्री आने के बाद हुआ। आपको पता है जब इंडस्ट्री आती है तो लोग आर्थिक स्थिति से बहुत मजबूत होते, डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी लोगों को रोजगार बहुत मिलता है। मैंने जैसे यहाँ चार्ज दिया था तो मीटिंग की और मीटिंग में कई बिंदुओं पर चर्चा हुई, तो उसमें एक अहम बिंदु था यहाँ पेट्रोलिंग की इशू को लेके कि जो इंडस्ट्रियल एरिया है उसमें थोड़ी पेट्रोलिंग का दिक्कत रहती है, और भी कई बिंदुओं पर चर्चा हुई। तो मैंने वैसे ही जिक्र किया कि आपने पांवटा चैम्बर ऑफ कॉमर्स का हमेशा हमने सहयोग मिलता रहा है, बहुत सहयोग मिला दो गाड़ियाँ पहले के लिए, और जो जो चीज़ हमने थोड़ी सी भी अगर कहीं हमने इशारा किया तो इन्होंने इशारा ही समझा और पुलिस की बिल्कुल खुले मन से मदद की। तो उस दिन भी हमने गाड़ी एक्सेस मांगी नहीं, इशारा ही किया और इशारा करते ही गर्ग साहब ने वॉलंटियर किया कि मैं पुलिस को गाड़ी देना चाहता हूँ। चौक बनवाने की बात हुई थी, कहीं भी जहाँ जरूरत पड़ी चैम्बर हमेशा और उसके मेंबर पूरे सहयोग रहा है, और उसी तरीके से पुलिस डिपार्टमेंट का हम लोगों से भी पूरा सहयोग रहा है। जब कभी हमें जरूरत पड़ी है डिपार्टमेंट ने भी पूरा साथ हम लोगों का दिया। दिव्य हिमाचल वेब टीवी के लिए पांवटा साहिब से दिनेश पुंडीर की रिपोर्ट। हिमाचल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन का पिछले 25 वर्षों से अपनी गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य शिक्षा व बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाओं में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। संस्थान में जीएनएम नर्सिंग, बी फार्मा, डी फार्मा, बीडीएस, एमडीएस के साथ साथ एमएससी बायोटेक्नोलॉजी व माइक्रोबायोलॉजी की शिक्षा भी प्रदान की जा रही है। डॉक्टर गौरव गुप्ता ने बताया कि निजी क्षेत्र में स्वास्थ्य शिक्षा व सेवाओं में ग्रुप बेहतरीन कार्य कर रहा है। यहाँ से नर्सिंग व फार्मकेयर की शिक्षा प्राप्त कर छात्र छात्राएं प्रदेश व पड़ोसी राज्यों में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। संस्थान द्वारा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए प्रशिक्षित फैकल्टी उपलब्ध है। इसके साथ साथ संस्थान पांवटा साहिब में चैरिटेबल अस्पताल भी चला रहा है। संस्थान भविष्य में भी बेहतरीन स्वास्थ्य शिक्षा पर सेवाएं प्रदान करने के लिए कटिबद्ध है।